हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब लोग। ये मेरे पास आ चुका है एक नया HP का 530 प्रिंटर। इससे पहले हम लोग ने एक अनबॉक्सिंग की थी, जो HP का 790 था। उसको हम लोग ने पूरा चेक किया था किस तरीके से जो प्रिंटिंग प्रोसेस है, कितने ब्लैक एंड वाइट और कितने कलर पर मिनट पेजेस इसमें से प्रिंट देता है। तो ये सारा जो हम लोग इस पे चेक करेंगे और आप लोगों को वीडियो शेयर करेंगे। वीडियो पूरा देखना, अगर जो मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और वो HP का जो 790 था वो, और ये प्रिंटर में क्या खासियत है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले मैं आपको ये पूरा सेटअप करके बता दूं कि किस तरीके से पूरा सेटअप कंप्लीट होता है वो आपको बता दूं, और उसके बाद में फिर बाद में हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ। सबसे पहले तो आपको ये जो जितनी भी टेप्स है वो रिमूव कर देनी है यहाँ से। हर जगह से टेप रिमूव कर देनी है। ये पीछे भी इसके बैक साइड पे भी टेप दी है, तो वो भी यहाँ से रिमूव कर देनी है। जैसे कि ये प्रिंटर है, आपको यहाँ से ऊपर की सारी टेप रिमूव करके ये पेपर ट्रे है इसको निकाल लेना है। यहाँ पे कुछ टेप्स है, यहाँ से कुछ टेप निकलेंगी। एक ये है, एक ये है, ये आपको निकालनी है। बहुत संभल के निकालना पड़ेगी आपको, क्योंकि एकदम पार्ट्स जो है वो थोड़े क्रिटिकल होते हैं, तो कहीं डैमेज ना हो जावे। वो जो पार्ट्स था ये मैंने निकाल लिया है। इसको क्या करना है कि ये जो भाग है इसको पकड़ के खींचना है आपको बाहर की तरफ, तो ये आपको निकल जाएगा, कुछ पार्ट डैमेज होने वाला नहीं है। ये निकालना है आपको यहाँ से, और फिर इसको भी रिमूव कर देना है। इसको रिमूव करने के बाद आपको फिर से प्रिंटर को जो है पैक कर देना है। इतनी चीज़ कंप्लीट कर लेने के बाद आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे आपको जो इंक टैंक मिलता है, जहाँ से आप इंक को चेक कर सकते हो कि कितना इंक बचा है कितना नहीं है। और ये आपको एक बार फिर एक इंस्पेक्शन कर लेना है कि आपको यहाँ से कोई चीज़ निकालनी नहीं है। सब निकल गया है, बराबर है, सब चीज़ निकल गई है। आपको कार्ट्रिज को बीच में ला के कुछ करना नहीं है, अलाइनमेंट वगैरह नहीं करना। ये आपको जो स्पिल फ्री जो फंक्शन मिलता है वो, ये एक ढक्कन आता है जो आपको पुश करके खोलना पड़ता है, और इसके अंदर इंक डाल देनी है। वो इंक भी कैसे डालनी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये एक ओवरव्यू था प्रिंटर का, जहाँ पे आपको फ्रंट साइड डिस्प्ले मिलती है, और ये पूरा राउंड घुमा के भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये पहले जो प्रिंटर 790 आया था, उसके बाद में ये अभी जो ये 530 जो मेरे पास आया है अनबॉक्सिंग के लिए, तो इसमें क्या खासियत है वो भी मैं आपको बता दूंगा। एक तो आपको प्राइस में ये 19,000 का, 20,000 का, जिस तरीके से मार्केट चल रहा है उस तरीके से आपको इसका प्राइस मिलेगा अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट और HP के खुद के स्टोर पे भी, उस स्टोर पे भी अवेलेबल है। साथ ही साथ मैं बात करूँ तो पहले जो HP का जो प्रिंटर आया था 790, उसके अंदर जो पेपर ट्रे थी वो नीचे की तरफ थी। इसका जो है पीछे की तरफ, ऊपर साइड पे पेपर आप रख सकते हो। तो इसमें बेनिफिट क्या मिलता है, उसमें बेसिकली आपको ड्यूल साइड प्रिंटिंग का एक ऑप्शन मिलता था, और ट्रे नीचे थी, और कुछ ट्रे को खींच के थोड़ा A4 साइज़ या लीगल साइज़ का पेपर आप रखना चाहते हो तो वो रखने के लिए आपको ट्रे को थोड़ा बड़ा करना पड़ता था, तो वो स्पेस छूट जाता था और पेपर दिखते थे, तो कोई भी चीज़ अंदर गिरे तो वो ख़राब होने का डर रहता था। अभी यहाँ पे क्या, आपको ज़रूरत पड़े तब आप यहाँ पे ट्रे में पेपर लगाओ, वो ट्रे मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। जब ज़रूरत नहीं पड़े तो ट्रे को बंद कर दो। तो ये एक आपके लिए एक इजी ऑप्शन है। और दूसरा मैं आपको कहूँ कि वो वाले प्रिंटर में मैंने एक एक्सपीरियंस किया था 790 में, कि आप लीगल साइज़ का पेपर स्कैन करते हो या लीगल साइज़ का पेपर आप ड्यूल साइड प्रिंट करते हो, तो वो लीगल साइज़ पेपर को ड्यूल साइड प्रिंट नहीं करता था। वही अगर A4 साइज़ का मैं स्कैन करूँ, प्रिंट करूँ, तो ड्यूल साइड प्रिंटिंग भी होता था, स्कैन होता था, और जैसे स्कैनर में रखा, ड्यूल साइड सिलेक्ट किया मैंने, तो वो ड्यूल साइड सिलेक्ट
वन साइड स्कैन करता था, प्रिंट करता था और रुक जाता था, और दूसरी साइड स्कैन करूँ तो फिर बाद में वो पेपर वापस अंदर जाके दूसरी साइड प्रिंट करता था। तो ये लीगल पेपर के साथ नहीं होता था, दैट्स वाई रीज़न के आप वो प्रिंटर नहीं ले सकते। कॉस्टली भी है, 26,000 का है और ये आपको 19,000 में गिरता है। इसमें क्या है कि आप ऊपर ट्रे में पेपर रखे, वन साइड का प्रिंट दिया, वापस पेपर को पलटा के रखा, सेकेंड साइड का प्रिंट दे दिया, एकदम ईजिली प्रोसेस है। मैंने इस प्रिंटर का प्लग ऑन किया है, इसे चालू करते हैं। चालू करने के बाद आपको इसको फटाफट सेटअप करना होगा। अभी मैं इसको पहले फटाफट सेटअप कर लेता हूँ, उसके बाद में हम लोग आगे स्टेप में मिलते हैं। ये कंप्लीटली सेटअप करने के बाद यहाँ पे एक आ गया है मैसेज जो आपको दिख पा रहा होगा, फिल द इंक्लूडेड टैंक्स एंड देन क्लोज द फ्रंट डोर। अभी हम क्या करेंगे कि इजीली इसके अंदर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फोकस हो जा भाई, हाँ यहाँ से स्टार्ट करेंगे और वहाँ तक जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से हमको इंक जो इसके अंदर डालनी है। ये सबसे पहले आपको ये इतना ही खुलना है और हमारे पास ये इंक पड़ी है, ये तीनों इंक की बोतल हम लोग ले लेंगे यहाँ पे, और ये एक ब्लैक वाला भी ले लेंगे, उसको रखेंगे यहाँ पे। अभी आपको करना क्या है, ये जो ऊपर वाला कट वाला भाग दिखा है उसको दोनों तरफ से खींच के पहले प्लास्टिक प्रोटेक्शन हटा देना है। कुछ इस तरीके से प्लास्टिक प्रोटेक्शन हटाने के बाद आपको इसको खोलना होगा। अभी इसके अंदर जो प्रोटेक्शन है वो हर बोतल में आपको मिलेगा, हर बोतल में। ये आपको हटाने के बाद इसको कैप को फिर से लगाना है। ओके, तो मैं ये हटा के कैप लगा के किस तरीके से मैं उसमें रखता हूँ वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। ध्यान रखें आप इसके ऊपर की जो प्रोटेक्शन हटा रहे थे वो जो मैंने बताई, ये इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे आपको कलर ना लगे, अदरवाइज इसका कलर थोड़ा पक्का होता है तो आपको प्रॉब्लम करेगा। अभी इसको करना क्या है, ये बोलते हैं स्पिल फ्री, ये मैंने हटा दिया प्रोटेक्शन। अभी इसको मैं इस तरीके से करूँ, इस तरीके से करूँ, दबाओ कुछ भी करूँ, ये नहीं गिरने वाला। अभी इसको सिंपली हमें करना क्या है, ये जो ब्लैक है तो उसके यहाँ पे रख देना है, रख के तुमको थोड़ा हलाना है। यहाँ पे देखिए इंक आनी चालू हो जाएगी, अभी देखिए यहाँ पे इंक आनी चालू हो गई जो आपको यहाँ से दिख रही है। इसी तरीके से ये तीन कलर्स को भी हम लोग फिल कर देंगे और उसके बाद में बढ़ेंगे आगे की प्रोसेस पे। टैंक हो गई है फिल, और यहाँ पे ऑप्शन आ गया है हो जा फोकस ओके करने का। यहाँ पे हम करते हैं इसको ओके। अभी ये हमको और इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आ जा भाई। अभी इसको ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप शटल खोलिए, ये शटल इसको खोलिए और डालिए अंदर कार्ट्रिज। अभी कार्ट्रिज किस तरीके से डालनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, या कार्ट्रिज डालने का ये है ऑप्शन है। अभी कार्ट्रिज डालनी कैसी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। इससे पहले हम लोग इसको निकाल लेते हैं, इसको ऊपर किया, इसे पुश किया और इसे इजीली निकाल लिया। अभी इसको क्या करना है आपको संभालना नहीं है, बच्चे खेलेंगे वगैरह करके, क्योंकि इसके अंदर जा चुका है कलर जो हम लोग ने स्पिल किया, और वो चेक करने के लिए परफेक्टली कलर हो चुका है कि नहीं, तो सारे कलर्स आ चुके हैं इसके अंदर, तो इसको हमें जाने देना है कचरे के साथ। ये देखिए इतना कचरा निकला है इसके अंदर। अभी आपको मिल जाती है दो कार्ट्रिज, एक कलर और एक ब्लैक एंड वाइट। इस इन दोनों को हमको करना है अंदर फिट, कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये है दोनों कार्ट्रिज, ये वाला है कलर वाला और वो है ब्लैक एंड वाइट वाला। अभी देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पर्पल वाला, तो ये ऊपर पर्पल मार्क है, डिज़ाइन है, कलर है, तो ये एक HP का जो टेप है, ये टेप और ऊपर ये जो बूस्ट लगा है, वो दो चीज़ निकाल के आपको इंसर्ट कर देना है अंदर। चलिए करते हैं इंसर्ट। ये कार्ट्रिज को डाल दिया है हमने अंदर, डाल के सिर्फ आपको क्या करना है, पुश कर देना है, एक धक्का दे देना है, वो अंदर ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। और ये जो फिल्म आप हटाते हो तो
ये वाली, तो उसको ध्यान से हटाए क्योंकि उसके ऊपर जो है बहुत ही नाजुक वाली जो ये आती है पट्टी आती है जिससे प्रिंट होता है, तो वो डैमेज हो गया तो आपका कार्ट्रिज ख़राब हो सकता है। अभी इसको शटर को हम कर देंगे बंद और यहाँ पे सेटअप हो गया हमारा प्रिंटर। हमने ऑलरेडी पेपर भी डाल दिए हैं अंदर, अभी यहाँ पे ये अलाइनमेंट प्रिंटिंग देगा। तो पेपर को अभी तक का लिया नहीं है, प्रोसेस चल रहा है, अलाइनमेंट प्रिंट आता है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए अभी पेज गया है अंदर, अभी निकलेगा अलाइनमेंट प्रिंटिंग, तो वो निकल जावे उसके बाद में आगे हमें और इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि आपको करना क्या है। अगर जो आपको नहीं समझ में आए तो यहाँ पे देखो कुछ पेपर वर्क्स भी पड़े हैं, तो वो भी आप देख के आप पूरा प्रिंटर सेट कर सकते हो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रिंटर का एक कोना रहता है जहाँ से थोड़ी ये जगह छूट जाती है, और एक कोना रहता है जहाँ से परफेक्ट आपको रखना रहता है। तो ये अलाइनमेंट निकला, उसको वो कोने से लगा के हम लोग इसको वापस से रख देंगे, और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये बोल रहे हैं अलाइनमेंट पेज को रख के वापस आप इसको स्कैन करिए। अभी हम करेंगे इसको स्कैन और उसके बाद हो जाएगा हमारा प्रिंटर यूज़ के लिए रेडी। अभी जैसे कि आप ब्रांडिंग वगैरह सब बॉक्स के ऊपर देख सकते हो, इसमें एचपी बोलता है कि 11 पेजेस ब्लैक एंड वाइट और 5 पेजेस कलर पर मिनट में आपको मिलेंगे, यानी एक मिनट के अंदर आप 11 पेजेस ब्लैक एंड वाइट और 5 पेजेस कलर, सही है ना, हाँ 5 पेजेस कलर और 11 पेजेस जो है ब्लैक एंड वाइट आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 11 पेजेस का सेटअप कर देता हूँ, ब्लैक एंड वाइट हम लोग करेंगे सबसे पहले, 11 पेजेस डन, और 11 डाल दिया। और यहाँ पे मैं ये बार बार मोबाइल से ले रहा हूँ ना वीडियो, इसके लिए अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या कि पहले स्टार्ट करेंगे क्योंकि स्कैनिंग में थोड़ा बहुत टाइम जाता है, फिर बाद में स्टॉपवॉच को स्टार्ट करेंगे। तो ब्लैक एंड वाइट में स्टार्ट पे मैंने क्लिक किया, अभी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये स्कैन करेगा, स्कैन कर रहा है, उसके बाद में प्रिंट देगा। अभी स्कैनिंग में ही 9-10 सेकेंड चले गए, अभी देखते हैं कि कितने टाइम में ये कितनी प्रिंट निकालती है ब्लैक एंड वाइट। ये ब्लैक एंड वाइट का एक पेज बाहर आ गया और कितने टाइम में कितने पेजेस बाहर आते हैं वो देखना है। तो ये ऑलरेडी 2 मिनट कंप्लीट होने वाले हैं और अभी तक का 4 ही पेज निकल पाए इसके अंदर, आपको डिस्प्ले में दिखा दूं, 4 से 5 ही पेज निकले हैं। अभी ये 5वां पेज का प्रोसेस चल रहा है, ये 4 पेज ऑलरेडी हो गए, 5वां पेज बाहर आ रहा है, उसके बाद में हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे। 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर 11 पेजेस जो है इसमें भी नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंटिंग प्रोसेस कैंसिल करते हैं, देख सकते हो आप 2.5 मिनट ऑलमोस्ट हो चुका है। अभी हम लोग ने रीसेट कर दिया, अभी फिर से मैं करूँगा जो कलर प्रिंट है पर मिनट 5 पेज का जो बताया है एचपी ने, तो वो इसमें होता है कि नहीं होता है। तो चलिए पेपर को हम लोग फिर से सेट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने कलर के लिए 5 पेज कर दी है और यहाँ पे हमारा स्टॉपवॉच भी रेडी है। तो मैं पहले कलर पे मारूंगा और उसके बाद में यहाँ पे स्टॉपवॉच हम रेडी करेंगे, देखेंगे कि कितने टाइम में कितने पेजेस निकलते हैं। ये अभी मैं यहाँ पे प्रोसेस कैंसिल कर दूंगा क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 मिनट हो चुका है और अभी तक का जो है सेकेंड पेज भी निकल नहीं पाया है। दैट्स वाई के ये प्रोसेस मैं यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ प्रिंटिंग की, क्योंकि मुझे पेज ज़्यादा बिगाड़ने नहीं है। तो यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ, 1.67 के अंदर एक पेज खाली कलर का निकला और दूसरा आधा वाला जो मैंने कैंसिल कर दिया।
बाकी है कमाल का, आपको वो वाला प्रिंटर 790 लेने से बेटर है कि आप लोग ये वाला लीजिए।